मैं अर्थशास्त्र में पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, या इसमें से क्या है, विज्ञान है या कला है या क्या है? ठीक है, मैं ये बता रहा था। तो विज्ञान की कंडीशन बता दी कि ये चीजें रहती है तो विज्ञान होता है, लेकिन अब कला के पक्ष में तर्क है। कला के पक्ष में तर्क क्या है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वो है। तो चार पांच चीजें इसमें भी हैं। क्या है, पहला क्या है, अर्थशास्त्र का कार्य समस्याओं या समस्या का समाधान करना है। अर्थशास्त्र का कार्य क्या है, समस्या का समाधान करना है। ठीक है, अर्थशास्त्र का काम क्या है, समस्या का समाधान करना है। मतलब जो अर्थशास्त्र से संबंधित चीजें हैं उसके समाधान से समस्या का समाधान करता है। क्या करता है, समस्या का करता है विज्ञान। कला इसमें से क्या है, तो विज्ञान का तो मैं बता चुका हूं, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला, ठीक है, वो मैं विज्ञान बता चुका हूं, कला के बारे में बताओ। पहला बता दिया समस्या का समाधान करना होता है, दूसरा क्या है, दूसरा है अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान होने के नाते, ठीक है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान होने के नाते केवल ज्ञानदायक ही नहीं बल्कि प्रकार फलदायक भी है। ज्ञानदायक भी नहीं बल्कि फलदायक भी है, मतलब ज्ञान तो मिलता ही है, इसका फल भी मिलता है। ठीक है, ज्ञानदायक ही नहीं फलदायक भी है, मतलब ज्ञान के साथ साथ इसका फल भी मिलता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है कला के संबंध में। ठीक है, तीसरा क्या है, समस्याएं चाहे आर्थिक हो अथवा गैर आर्थिक हो उनको सुलझाने में अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देखिए ये परिभाषा वाइडर होती है, ये परिभाषा वाइडर, ये इस तर्क को जो कला के तर्क दे रहे हैं उनका वाइडर सेंस है। क्या है, आर्थिक भी है और गैर आर्थिक, मतलब आर्थिक समस्या के साथ साथ गैर आर्थिक समस्या का भी यहाँ अर्थशास्त्रियों को समाधान किया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्रियों द्वारा समाधान किया जाता है। तो मतलब इसका जब अर्थशास्त्र का सिर्फ आर्थिक होता तो नैरो नैरो परिभाषा होती, लेकिन वाइडर परिभाषा हो गई। क्यों, क्योंकि गैर आर्थिक नॉन इकोनॉमिकल चीजें भी आ रही है इसमें, इस तर्क के बीच में। ठीक है, कला वाले तर्क में दोनों चीजें आ रही है, आर्थिक और गैर आर्थिक। ठीक है, इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल दोनों चीजें आ रही है। ठीक है, तो इसलिए ये वाइडर सेंस लिए हुए हैं, कला का क्षेत्र वाइडर सेंस हो गया। ठीक है, चौथा क्या है, अर्थशास्त्र के कला होते हुए भी वैज्ञानिक स्वरूप को कोई अंतर नहीं है, वैज्ञानिक स्वरूप का कोई अंतर नहीं है, मतलब अर्थशास्त्र वैज्ञानिक स्वरूप होते हुए भी कोई अंतर नहीं है, कला में कोई अंतर नहीं है। ये चार कंडीशंस कला को, अर्थशास्त्र कला है इसके लिए इसके पक्ष में तर्क दे रही है। ठीक है, इन चार चीजों के अलावा और दोनों दोनों चीजों के विज्ञान एवं कला के क्षेत्र को विकास दोनों पर प्रकाश डालने के बाद क्या निकल के आया है, आप देखते होंगे बहुत से चीजें दोनों में समान है। कला और विज्ञान में बहुत से पांच जो तत्व तो बताए गए हैं, तर्क बताए गए हैं, उनमें दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो प्रोफेसर पी वी महर हैं, प्रोफेसर पी वी महोदय ने अर्थशास्त्र को कला और विज्ञान दोनों माना है। ठीक है, क्या माना है, कला और विज्ञान दोनों माना है। इन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र को लेके, कला विज्ञान को लेके, कला और विज्ञान को लेके कहा, अर्थशास्त्र न केवल ज्ञान का ही प्रकाश देता है वरन वह फलदायक भी है। मतलब ज्ञान का प्रकाश तो देता ही है, तो ज्ञान क्या हो गया, ज्ञान का प्रकाश देना साइंस हो गया, अब फल क्या है, कला हो गया, फल देने मतलब कला हो गया। तो अर्थशास्त्र प्रकाशदायक होने के नाते विज्ञान भी है और फलदायक होने के नाते कला भी है। ठीक है, प्रकाश देने के नाते क्या है, विज्ञान है, लेकिन फल देने के नाते
फलदायक होने के नाते क्या है, फलदायक होने के नाते ये कला है। तो मतलब निष्कर्ष यह निकलता है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष यह निकल रहा है अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है समान रूप से, कला पे भी प्रकाश डाल रहा है, विज्ञान पे भी प्रकाश डाल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें कवर होती है, इसमें सीमाओं में, क्षेत्र में, क्षेत्र में। ठीक है, अब क्या है, मैंने तीन चीजें बताई थी। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल ने तीन चीजें बताई थी, पहला वो हो गया, दूसरा, तीसरा क्या है, अर्थशास्त्र की सीमाएं, अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिट्स, लिमिटेशंस, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब क्या है अर्थशास्त्र की क्या सीमाएं हैं, अर्थशास्त्र की क्या सीमाएं हैं, कहां तक अर्थशास्त्र का क्षेत्र फैला हुआ है, अर्थशास्त्र कैसे क्या क्या कवर करता है। ठीक है, ये चीजें बताई गई हैं। क्या है, प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स, प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की सीमाओं का, प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की सीमाओं का अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन किया है, अपना अपना दृष्टिकोण इन्होंने अर्थशास्त्र की सीमाओं पर डाला है। क्या क्या डाला है, ये सारी चीजें मैं अभी एक एक करके बताऊंगा आपको। ठीक है, अर्थशास्त्र की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या नहीं है, और कहां तक अर्थशास्त्र का लिमिट है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, पहले लेकिन ये दो अर्थशास्त्री हैं, इन दोनों अर्थशास्त्री ने इस पर प्रकाश डाला है, इन्हीं दोनों अर्थशास्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में ये परिभाषा है, ये क्या सीमाएं बताई गई है। पहला प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर मार्शल ने कुछ सीमाएं बताई हैं, क्या क्या बताई हैं, प्रोफेसर मार्शल ने कुछ सीमाएं बताई हैं, क्या बताई हैं, पहला है अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या, अर्थशास्त्र में किसका, सिर्फ मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो अब मानवीय क्रिया क्या आ गए, जीवित व्यक्ति, ठीक, इसमें कौन नहीं आएगा, पशु नहीं आएंगे, पक्षी नहीं आएंगे, उनके अर्थशास्त्र में उनकी क्रियाओं का अध्ययन थोड़ी ना होता है, अर्थशास्त्र में इनका क्या योगदान है, पक्षी और पशु का क्या योगदान है। ठीक है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने पहला सीमाएं बताई, किन्होंने बताई, मार्शल ने। दूसरा क्या है, अर्थशास्त्र में वास्तविक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में वास्तविक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, जो फ्लोर पे है उन्हीं व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, वास्तव में जो व्यक्ति है उसी का अध्ययन किया जाता है, न कि काल्पनिक व्यक्तियों का, काल्पनिक व्यक्तियों का इसमें अध्ययन नहीं होता है। अब तीसरा क्या इन्होंने बताया है, अर्थशास्त्र में सामान्य मनुष्य की क्रिया, सब अर्थशास्त्र में सामान्य मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सामान्य मनुष्य जैसे हम आप, ठीक है, जो वास्तव में मनुष्य है, मानव है, उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और मानव तो और भी लोग हैं, लेकिन उसमें कौन नहीं आते हैं, जैसे पागल हो गया नहीं आएगा, कंजूस व्यक्ति नहीं आएगा, चोर व्यक्ति नहीं आएगा, उनकी क्रियाओं का अध्ययन नहीं होता इसमें। ठीक है, उनका योगदान अर्थशास्त्र में नहीं होता। ये कौन कह रहा है, मार्शल महोदय कह रहे हैं, मार्शल महोदय ने कहा है, प्रोफेसर मार्शल महोदय ने ये सारी चीजें बता रहे हैं, बताया है इसके लिए। चौथा क्या है,
अर्थशास्त्र में सामाजिक समाज के जो अर्थशास्त्र में वास्तविक व्यक्ति होता हो वो सामाजिक होता है, समाज के सदस्य होता है। ऐसे व्यक्तियों का, सामाजिक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, जो सामाजिक व्यक्ति नहीं है उनका अध्ययन नहीं किया जाता। जैसे दिवालिया हो गया, चोर हो गया, कंजूस हो गया, पागल हो गया, ये सामाजिक व्यक्ति नहीं है। पागल व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति नहीं है, इनका अध्ययन इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब पांचवा क्या है, धन संबंधी अर्थशास्त्र में धन संबंधी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का, धन संबंधी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र का बेस ही धन है, धन की, धन का अध्ययन होता है इसमें। मोस्टली यही है कि धन का अध्ययन होता है, आय व्यय निर्गत एक्सपोर्ट होता है, सब चीजें क्या होती है अर्थशास्त्र में ही होती है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। क्यों बता रहे हैं, प्रोफेसर मार्शल बता रहे हैं। और क्या है, प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा था, अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, साइंटिफिक दृष्टिकोण भी अर्थशास्त्र रखता है और आर्ट का भी दृष्टिकोण अर्थशास्त्र में मिलता है। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है, दोनों चीजों का समावेश है इसमें। ठीक है, दोनों चीजों का समावेश है। अब प्रोफेसर राजेंद्र सर क्या कहते हैं, प्रोफेसर राबिन्स की भी, राबिन्स ने इसके पक्ष में, सीमाओं के पक्ष में अपना तर्क बताया है। प्रोफेसर राबिन्स ने अपना तर्क दिया है कि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या क्या है, कितने का अध्ययन होता है इसमें, सीमाएं अर्थशास्त्र की क्या है। ठीक है, प्रोफेसर राबिन्स ने बताया है। ठीक है, अब क्या है, अर्थशास्त्र में इनकी इनकी जो ये इन्होंने जो बताया है उसको मैं बता रहा हूं। क्या प्रोफेसर राबिन्स ने क्या बताया है, इसकी क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं वो देखिए। अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब ये भी यही कह रहे हैं, मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब कोई भी पशु पक्षी या किसी अन्य जानवर का या किसी अन्य लोगों का अध्ययन नहीं किया जाता, सिर्फ किसका किया जाता है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मानव द्वारा जो क्रियाएं होती है, लेन देन वगैरह, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी चीजों का, ये मानवीय क्रियाओं का अध्ययन कर रहा है। प्रोफेसर राबिन्स भी मार्शल की बातों पर सहमत हैं कहीं ना कहीं। दूसरा क्या है, अर्थशास्त्र में प्रत्येक क्रिया के आर्थिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में प्रत्येक आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, मतलब प्रोफेसर मार्शल भी वही कह रहे हैं, ये भी यही कह रहे हैं। ठीक है, कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, प्रोफेसर राबिन्स ने अर्थशास्त्र को क्या माना है, मानव विज्ञान माना है। प्रोफेसर राबिन्स ने अर्थशास्त्र को मानव विज्ञान माना है, मतलब प्रोफेसर राबिन्स कहते हैं अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है, मतलब मानव का अध्ययन हो रहा है, मानव को साइंटिफिक दृष्टि से अध्ययन करवाता है ये अर्थशास्त्र। ठीक है, मानव का अध्ययन करवा रहा है, मानव के अध्ययन का, मानव विज्ञान, मानव का विज्ञान माना है इसने प्रोफेसर राबिन्स ने। चौथा क्या है, अर्थशास्त्र में साधारण आचरण का ही नहीं वरन असाधारण आचरण का भी अध्ययन किया जाता है, मतलब इसमें साधारण आचरण का तो अध्ययन किया ही जाता है, असाधारण अध्ययन का, साधारण आचरण का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, असाधारण आचरण मतलब जो चीज मनुष्य से थोड़ी बहुत इधर उधर है उसका भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा क्या है, अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान अथवा कला नहीं। ये देखो, मतलब राबिन्सन महोदय अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मान रहे हैं। ठीक है, और आदर्श विज्ञान अथवा कला नहीं मान रहे हैं, आदर्श विज्ञान अथवा कला नहीं मान रहे हैं। वास्तविक विज्ञान क्या है, सही है, इनका भी एक तर्क सही है, क्योंकि वास्तविक विज्ञान है मतलब वास्तव में वो चीजें अर्थशास्त्र में दिखाई देती हैं, वस्तुओं का लेन देन,
धन का विनिमय, आय व्यय, निर्गमन, ये सारी चीज तो प्रत्यक्ष दिख रही है ना, तो लेन देन हो रहा है, तो ये अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान मान रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें अर्थशास्त्र में हो गई हैं, अर्थशास्त्र में शामिल हैं। तो अब हमें हम लोगों क्या है, हम लोगों ने अर्थशास्त्र की सीमाएं पढ़ी, अर्थशास्त्र का वो पढ़ा, क्या नाम है, अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है ये पढ़ा, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का स्कोप कहाँ कहाँ तक है, अर्थशास्त्र की लिमिट कहाँ कहाँ तक है, और परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों ने अर्थशास्त्र के लिए इक्विलिब्रियम पढ़ाना है, साम्य, अर्थशास्त्र के लिए साम्य क्या होता है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का सिद्धांत क्या होता है, अर्थशास्त्र में क्या नाम है, अर्थशास्त्र क्या कह सकते हैं, अर्थशास्त्र में यूटिलिटी पढ़ाना है आप लोगों को। ठीक है, अर्थशास्त्र में इक्विलिब्रियम पढ़ाना है, आगे के टर्म में आप लोगों को और चीज़ें बताएंगी। जैसे आप लोगों ने देखा कि अर्थशास्त्र की सीमा क्या है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है, स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो चुकी हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं कॉलेज आके, 10 से 4 के बीच में कॉलेज आके पूछ सकते हैं, सी वी सिंह लॉ कॉलेज में आके पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, और एक एक चीज़ आप लोग पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो भी आप लोगों के लिए फायदा करेगा, एक बार भी आप सोचे कि पढ़ लूँगा तो ऐसा नहीं है, रोज़ वीडियो देखिए, रोज़ वीडियो पे रोज़ वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीखिए, नोट्स बना लीजिए अपने, ये परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप लोग परीक्षा में यदि इसका उपयोग करते हैं तो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि परीक्षा आने आते समय एक ही चीज़ पर सारा फोकस नहीं होना चाहिए, सारा फोकस एक ही चीज़ पर कर दोगे आप लोग तो फिर चीज़ें भूलती जाएंगी, लेकिन धीरे 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 आप लोग एक एक वीडियो पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप लोगों को चीज़ें तैयार भी होती रहेंगी, और कोई डाउट्स रहेंगे तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ कॉलेज में आके बता सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों को दिक्कत हो तो सी वी सिंह लॉ कॉलेज में आके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोरोना COVID-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ायदा आप लोग ले सकते हैं, आएँ सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, अब नेक्स्ट टर्न पर मैं आप लोगों को आगे की चीज़ें पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।